अल्मोड़ा में लंबित भुगतान और जमानत राशि अवमुक्त करने की मांग को लेकर ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव किया। ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शीघ्र भुगतान करने की मांग की। आक्रोशित ठेकेदारों का कहना है कि अगस्त 2022 से सड़कों और दैवीय आपदा में किए गए कार्यों का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे ठेकेदार और मजदूरों को आर्थिक दिक्कतें हो रही हैं। ठेकेदारों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालय में नहीं होने की बात भी कही, जबकि शीघ्र पेमेंट नहीं होने पर बर्फबारी और दैवीय आपदा के दौरान काम नहीं करने की चेतावनी दी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ठेकेदार द्वारा साल भर 8 महीना से लगभग काम करे हो गया है, विभाग उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है। कोई अधिकारी मौजूद नहीं है यहाँ पर। एक्शन साहब हमारे 1.5 महीने से लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है, और जो अधिकारी और हैं वो लोग भी नहीं आ रहे हैं, और कागज़ वागज बनने परेशानी हो रही है, और त्यौहार का टाइम है, और ठेकेदार यहाँ का ठेकेदार छोटा ठेकेदार है, परेशान हो रहा है, लेबर पीछे पड़ रही है उसके, और काम लगभग बंद हो चुके हैं। अगर जल्दी इसका भुगतान नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, काम हम बंद करेंगे। 2022 में हमने क्या ना जिला मुख्यालय और लंबड़ा विकासखंड की विभिन्न सड़कों को जेसीबी से खोलने का काम किया। बड़ी मुश्किल के बाद आत्मदाह की जब चेतावनी दी विगत वर्ष पिछले साल दीपावली में हमें कुछ भुगतान दिया गया, तब से लेकर 1.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, अभी तक हमें क्या ना उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, ना हमारी FDR रिलीज हो पा रही है। ऑफिस में आते हैं अधिकारी कर्मचारी हमको मिलते हैं, 1.5 साल से हमको लटका रहे हैं। 2022 वालों का भुगतान इन्होंने कुछ करा, लेकिन 2023 वालों का कुछ भुगतान दिया, लेकिन 2022 वालों को भुगतान नहीं दिया। पर अंधेर नगरी चौपट राज हो रहा है। तो आपको बता दें, ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय में घेराव किया है, वहीं इनकी मांगों को लेकर अब ये आगे अपनी योजना बना रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीम, बताएं क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। पिछले लगभग 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, प्रांतिकरण के अधिशासी अभियंता यहाँ से गायब है। तो इसको जिस कारण ठेकेदारों के द्वारा उनके किए गए कार्यों का उनको बिलों का भुगतान नहीं होने से ठेकेदार आक्रोशित है, और उसी को लेकर आज इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साफ शब्दों में ठेकेदारों का कहना है कि जल्दी अगर उनके बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन करने को भी बाध्य होंगे। जी नसीम, इस पूरे मामले पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आज इस संबंध में हमारे मेरे द्वारा भी जब वहाँ उनके कार्यालय में गया जाया गया तो वो भी अन्य किसी क्षेत्र में गए हुए थे, अपने कार्यालय में मौजूद नहीं पाए गए, जिस वजह से अन्य ठेकेदारी परेशान रहे। उन ठेकेदारों का भी साफ शब्दों में कहना था कि जो वरिष्ठ उनके अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, कि बार बार वो कम से कम बीच बीच में आके विभागों का निरीक्षण करें, और ताकि विभाग में कर्मचारी बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, इसको तो उनको असली प्रश्न सामने आ सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, अल्मोड़ा से ये मामला सामने आया जहां ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव किया, वहीं मांगे पूरी होने का आश्वासन दिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से।